जिस तरह भारत में फिल्मों को ए, AU या यू रेटिंग दी जाती है, उसी तरह वेस्ट में फिल्मों को कंटेंट के आधार पर रेटिंग देने का एक ज़्यादा डिटेल सिस्टम है। एज बेस्ड सिस्टम में कई तरह की रेटिंग्स होती हैं और इनमें से टॉप है आर। कोई भी आर रेटेड फिल्म एक अडल्ट रेटेड फिल्म के बराबर होती है, जिसे 17 साल से कम उम्र के दर्शकों के लिए ठीक नहीं माना जाता। इन फिल्मों में न्यूडिटी, वॉयलेंस या किसी भी तरह के परेशान करने वाले विजुअल शामिल होते हैं। लंबे समय तक आर रेटेड फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कोई खास उम्मीद नहीं रखी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि ये फिल्में अपनी रेटिंग की वजह से ऑडियंस के एक बड़े सेगमेंट से दूर हो जाती हैं। लेकिन हाल में एक आर रेटेड फिल्म $1 अरब की कमाई करने में सक्सेसफुल रही। जोकिन फिनिक्स स्टारर जोकर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आर रेटेड फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म ने दुनिया भर में $1.02 बिलियन की कमाई की थी। टॉड फिलिप्स के डायरेक्शन में बनी इस डार्क सुपर हीरो फिल्म ने दुनिया भर में $1.02 बिलियन की कमाई की थी। इस तरह अरबों डॉलर की कमाई कर इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रॉसिंग आर रेटेड फिल्म का टैग हासिल किया है। इससे पहले ये टैग डेडपूल 2 के नाम था। डेडपूल 2 ने दुनिया भर में $75 बिलियन की कमाई की थी। जोकर की सक्सेस का मतलब ये है कि ये फिल्म टॉप 50 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स के लिस्ट में भी शामिल हो गई है। ऐसी सक्सेस बहुत ही कम आर रेटेड फिल्मों को देखने को मिली है। गॉडफादर, द एक्सॉर्सिस्ट, द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर 2 ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं।